नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर लजीज कार्यक्रम बिहार बिहार लाइव में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शाद महाजन आज मैं आपसे कहना चाहूंगी दर्शकों कि सपनों की दुनिया से लौट आइए हो गई है सुबह जाग चाहिए जी हाँ जागने की अगर बात करूँ तो वैसे भी मुझे लगता है कि फरवरी का जो महीना होता है ना वो जगाने वाला ही होता है क्योंकि एक तरफ तो जहाँ बच्चों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ कई जगह शहनाइयों की गूंज भी है जी हाँ कई ऐसी जगह हैं जहां शायद आज विदाई का समय चल रहा है या फिर भागम भाग है कि वहां बारात आनी है बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए लोग खड़े हैं तो कह सकते हैं कि ये जो फरवरी का जो महीना है भागम भाग वाला है और ऐसे में अपने मनोबल को बनाए रखिए क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तो होली भी आने वाली है तो सारी टेंशन जो है जो सारी थकान है वो भी निकल जाएगी लेकिन फिलहाल तब तक हमें अपने विचारों को तो उच्च रखना ही होगा क्योंकि होली आने में अभी थोड़ा समय जो है लेकिन उससे पहले ये जो भागम भागे ये जो टेंशन है इससे थोड़ा सा विराम लीजिए सुबह का वक्त है चाय की चुस्की के साथ हमारा ये कार्यक्रम बिहार विहान देखिए और आप तो जानते ही हैं कि कार्यक्रम का जो आगाज़ है वो हम अपने पहले सेगमेंट के माध्यम से करते हैं जिसमें हम शामिल करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के विचारों को जी हाँ बड़े बुज़ुर्गों के जो विचार होते हैं ना यदि हम उन्हें सीरियसली अपने जीवन में ढाल लें तो फिर जीवन की कई सारी निराशाओं से हम पार लग सकते हैं इसलिए हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है बड़े बुजुर्गों के वचनों को लिए उनकी वाणी को लिए तो चलिए बिना विलंब करती हूं आगाज आपके हरदिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहार लाइव का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ महात्मा गांधी ने कहा था जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत होती है आप तो जानते ही हैं कि बिहार बिहान का यही उद्देश्य होता है कि हर सुबह हम एक ऐसे मेहमान को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है उनकी जो लाइफ जर्नी होती है किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देखा उससे पार किया और अपने जीवन में सफलता पाई तो चलिए आज भी उनकी कहानी हम जानेंगे अपने खासम खास मेहमान की जुबानी तो मिलकर स्वागत करते हैं आपको बता दूँ दर्शकों की सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज बतौर डायरेक्टर बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी में विगत दो वर्षों से आप कार्यरत हैं आपको बता दूं कि आप हैं सुनील कुमार पंकज बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में आ, सर यूँ तो बहुत सारी बातें हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई किस तरह से आप इस पद पर पहुंचे ये तमाम बातें हम जानेंगे लेकिन उससे पहले चूंकि आज कल का जो ज़माना है जो दौर है उसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो है अभी ऑर्गेनिक खेती ये हम सभी लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं बहुत जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती से ये फ़सल उगी है या हमने ऑर्गेनिक तरीके से इसे उगाया है लेकिन इन सबसे इतर अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक सीड जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है ऑर्गेनिक खेती की तो सभी बात करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सीड्स की जो बातें होती से, ही बात है, तो ये किस तरह से अलग है और बीजों की तुलना की बात करूँ अगर तो क्या है ये ऑर्गेनिक सीड क्या कुछ इसको आप किस तरह से अलग पाते हैं और बीजों से ऑर्गेनिक मुख्य एक प्रक्रिया के तहत उसका ग्रो उसको ग्रो किया जाता है जिसमें हम केमिकल जरा सा भी यूज नहीं करते हैं जैसे कि हम जनरल सीड जो प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ऑर्गे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया डीएपी वगैरह पेस्टिसाइड का यूज करते हैं लेकिन जब हम ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसको केवल ऑर्गेनिक इनपुट का यूज उसमें किया जाता है पहला शर्त है दूसरा है कि ये जेनेटिकली मोडिफाइड वैरायटी नहीं होनी चाहिए जैसे हाइब्रिड वगैरह हाइब्रिड में जेनेटिकली उसको मोडिफाइड करके उस हद तक लाया जाता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े तो ऑर्गेनिक सीड में हम जनरली अपने जो हमारे इंडिजीनियस वेराइटी हैं देसी प्रभेद हैं उसी को ऑर्गेनिक जी प्रोडक्शन करके या उसका सीड को सर्टिफिकेशन करके उसको ऑर्गेनिक सीड के रूप में करते क्या बात है यानी कह सकते हैं कि कोई छेड़छाड़ नहीं है जिस तरह से जो सीड में है वही चीज़ आगे बढ़े इसका आप खास ख्याल रखते हैं बहुत ही बढ़िया और उम्दा और इसीलिए शायद आज ऑर्गेनिक खेती की इतनी ज़्यादा बात होती है लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव की ओर है और शायद अभी बहुत बदलाव इसमें बाकी भी है बातें आपकी करूंगी अगर तो आपने बतौर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अपने करियर की शुरुआत की तो जानना चाहेंगे आपके इस सफर के बारे में आपके पहले जॉब के बारे में कैसे वहाँ पर आपने क्या कुछ किया और उसके बाद की बातें बिहार लोक सेवा आयोग से चयन के उपरांत मेरी पहली पदस्थापन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बगहा जी पश्चिमी चंपारण में हुई जो कि बिहार के लास्ट बॉर्डर है नेपाल और बिहार का वहाँ पर लगभग मैंने डेढ़ साल अपना कार्यकाल के एक्सटेंशन का वर्क में मे, मेजर था उसको बखूबी निभाया तो मुझे मुख्यालय में सच उस समय सचिवालय में, में मुख्यालय था कृषि विभाग भा, का वहाँ पर मेरा ट्रांसफर किया गया उसके उपरांत मेरी सेवा बीज प्रोडक्शन उस समय चल रहा था सोन कमांड में तो वहाँ सौंपी गई वहाँ के पश्चात मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कटिहार के रूप में लगभग दो साल कार्य किया जो एक कृषि पदाधिकारी का दायित्व तो होता है उसे बखूबी मैंने निभाया तदुपरांत पुनः मुख्यालय में मेरी पदस्थापन हुई एज ए डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल जहाँ की फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की टेस्टिंग होती है वहाँ जो टेस्टिंग हो रही थी जब मैंने योगदान दिया तो जो तरीका था वो बिल्कुल पुराना इंडिजीनियस तरीका था मैंने फरीदाबाद विजिट किया जो सेंट्रल फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी है और वहाँ का देख करके उसी आधार पर मैंने विभाग को इस लैब को रिनोवेशन के लिए प्रपोजल दिया विभाग ने एक्सेप्ट कर, कर लिया तदोपरांत मेरा स्थानांतरण हो गया जिला कृषि पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के रूप में और यहाँ जो पदाधिकारी आए उस कार्य को आगे बढ़ाए जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में चार के रूप में मैं चार साल पूर्वी चंपारण में रहा और किसानों के साथ में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करता था कार्यालय कार्य में पाँच बजे के बाद निपटारा करता था उसके पूर्व मैं फील्ड में रहता था या किसानों से उनकी समस्या मुख्यालय में रह सुनते थे जिससे किसान हमारे प्रति बहुत आकर्षित हो गए थे आज भी पूर्वी चंपारण के ऐसे कोई किसान नहीं है जो मेरा चेहरा नहीं पहचानते हैं क्या बात है और इसके लिए हमने वहाँ खूब मेहनत की किसानों की जो कमीवेशी थी उसको हमने पूरा करने का अथक प्रयास किया उस चार साल के अवधि में पूर्वी चंपारण जिले में फर्टिलाइजर की कभी कमी नहीं रही जबकि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ऑलवेज प्रॉब्लम रहता है तो वहाँ के जिलाधिकारी के सहयोग से मैंने किसानों को ससमय जितने भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती थी हम लोग उपलब्ध कराते थे जिला कृषि पदाधिकवार बाद मेरी पोस्टिंग हुई संयुक्त निदेशक इख विकास शुगर डिपार्टमेंट में वहाँ भी मैंने एक नया टेक्नोलॉजी लाया जै जैसे सुने होंगे आप लोग एस आर आई राइस का तो उसी को मैंने शिफ्ट किया शुगर केन में पहले वहाँ गन्ना किसान डेढ़ फीट की पंक्ति से पंक्ति दूरी पर गन्ना लगाते थे जिसके कारण इल्ड उनका कम आता था उसको हम लोग चार फीट वाइड करवा के एक स्कीम लाया कि जो किसान चार फीट लाएंगे उनको हम सब्सिडी देंगे सीट पे तो फर्स्ट ईयर कम अचीवमेंट हुआ किसान भी तो उस टेक्नोलॉजी से अननोन थे लेकिन जो भी किसान लगाए और उनका जो इल्ड हुआ उस आधार पर दो तीन वर्षों में अब बिहार में गन्ना की, की बुआई किसान चार फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर कर रहे हैं और ड्रेस्टिक हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा है बिहार में जी हाँ कह सकते हैं कि जी जितने भी आपने को दायित्व मिले उनका निर्वहन आपने बखूबी किया बखुबी पूरे मन के साथ क्या बीच पूरी में अड़चने आती थी उसको हम लोग सॉल्व करते थे या पेशेंस के साथ आगे बढ़ते थे गन्ना विकास के बाद फिर मेरी पोस्टिंग हुई ज्वाइंट डायरेक्टर तिरहुत रेंज वहां भी मैंने बखूबी अपने तीन साल का समय जो दायित्व सरकार दिया था उसको बहन किए उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एक बहुत टफ जगह था बहुत मतलब पेशेंस के साथ मैंने काम वहाँ काम किया वहाँ मुझे दायित्व मिल, मिला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम किसानों को अनुदानित दर पर वितरित किया जाना था ये एक बहुत टफ प्रक्रिया थी क्योंकि पूर्व में बहुत गलतियां हुई थी विभाग में तो इस कार्य को करने में शुरू में बहुत डर लगा लेकिन फिर मैंने इसका स्टडी किया और मैंने सोचा कि नहीं इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करें और ट्रैकिंग करें कि कहाँ गलती हो रही है उसी दरमियान एक ऐसा घटना हुआ कि स्कीम सैंक्शन के लिए गए लोक वित्त समिति में तो तत्कालीन जो विकास आयुक्त थे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि इसमें बहुत गलतियाँ हुई है पूर्व में आप सही करेंगे ये जो गलतियाँ हुई है उसको आप जान रहे हैं तो चूंकि विभाग की बात थी मैं चुप हो गया जवाब नहीं दिया तो उन्होंने टर्न डाउन कर दिया हमारे सचिव थोड़ा नाराज हुए हम पर लेकिन पूर्व की गलतियाँ को हम कैसे दें कि सही हुआ है या ये भी हम फंसने की मेरी बात थी फिर भी आके विभाग में डिस्कशन हुआ सचिव महोदय पुनः ले गए लोक वित्त समिति में इस स्कीम पारित हुआ और उसको प्योर कंप्यूटराइज कर दिया कि आवेदन से लेकर के और फील्ड वेरिफिकेशन तक सब ऑनलाइन और दायित्व दिया कि किनके पास कितना दिन रहेगा अगर वो नहीं करते हैं टाइमली तो ऑटोमेटिक वो आगे फॉरवर्ड होगा और उन पर एक्शन होगा आज की स्थिति में ये स्कीम विभाग का एक बहुत अच्छा स्कीम माना जा रहा है और अचीवमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ के बाद मेरी स्थानांतरण यहाँ निदेशक बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी के रूप में हुआ यहाँ जब आया तो मार्च 2020 में ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए ए मिल चुका था एपीडा से लेकिन मैं ज्वाइन जुए, जुलाई में फर्स्ट वीक में किया उसके बाद पहले हम एक्टिविटी एक आध महीना देखे कि क्या यहाँ लोग का क्या थी है तो सब इंस्पेक्टर आते थे बैठ के गप वगैरह किए अपना चले गए मैंने याद है मुझे चार अगस्त का दिन था उस दिन सभी की बैठक बुलाए और सब को हम फील्ड भेजे उस समय थोड़ा सा टफ था कि कोरोना का पीरियड था मूवमेंट में दिक्कत थी तो मैंने कहा कि जाइए वहीं रहिए और आप अपना काम स्टार्ट कीजिए इस ढाई साल के यात्रा में आज के दिन में बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन न केवल राज्य में हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बल्कि राज्य के बाहर सात स्टेट में हम कर रहे हैं जिसमें पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश त्रिपुरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात शामिल है और जी अभी राज्य में तो मैं मात्र साढ़े सत्रह हज़ार एकड़ में कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन लेकिन महाराष्ट्र ऐसे राज्य में बिरासी हज़ार एकड़ में कर रहा हूँ गुजरात में तीस हज़ार एक एकड़ में कर रहा हूँ राजस्थान में लगभग तीस बत्तीस हजार एकड़ में कर रहा हूँ और वहाँ सर्टिफिकेशन करने में हम लोगों को बहुत खुशी भी होती है और एक तरह से बहुत आसानी भी होती है वहाँ के किसान के बीच जागरूकता बहुत है वो लोग आपस में एक ग्रुप बनाए हुए हैं और उस ग्रुप को टैग किए हुए हैं किसी एक्सपोर्टर से फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपोर्टर करता है आपको विश्वास नहीं होगा मेरे इंस्पेक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनको पटना से वहां जाने के लिए हवाई टिकट भेजता है बिहार में जो वर्तमान स्थिति है जैविक खेती की वो काफी निराशा भरी है एक तरफ हमारा एक राज्य है सिक्किम जो 100 परसेंट ऑर्गेनिक खेती कर रहा है और उसे पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में पहला ऐसा वो राज्य है जहां 100 परसेंट ऑर्गेनिक खेती हो रही है ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है अचीवमेंट है लेकिन अगर बिहार की बात करूं अपने राज्य की बात करूं तो ये निराशा क्यों हमारी राज्य सरकार तो जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रही है जैविक कोरिडोर योजना भी चला रही है भारत सरकार द्वारा भी योजनाएं चला रही जा रही है लेकिन किसानों के साथ समस्या क्या है कि एक तो इच्छा शक्ति उनकी नहीं है क्योंकि जैविक खेती करने पर पहला साल उनके उत्पादकता में लगभग पंद्रह प्रतिशत की कमी आती है दूसरा साल लगभग दस प्रतिशत की कमी आती है और तीसरा साल जा के वो पूर्व से जो प्रोडक्शन लिए थे बिफोर जैविक खेती वो उससे ज़्यादा आने लगता है लेकिन हमारे बिहार के किसानों को या तो कहें कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके चलते वो इस लॉस को सहने में सक्षम नहीं है या पेशेंस नहीं है तो इसमें हमको उनको जागरूकता करने की आवश्यकता है दूसरा हमारे जैविक जो उत्पाद किसानों द्वारा उत्पादन किया जाता है उसका डोमेस्टिक मार्केट में परचेजर का अभाव है हमारे बिहार की जनता को जैविक उत्पाद के यूज करने के लिए अवेयरनेस की कमी है उसमें हमको उनके बीच अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि क्यों जैविक उत्पाद का ही हम उपयोग करें आपको बतला दें कि पंजाब से अभी तीन कैंसर ट्रेन चल रही है जो कि बॉम्बे जा जाता है कैंस केवल कैंसर पेशेंट और उनके असिस्टेंट को लेकर के जो हमारे यहाँ बिहार में रासायनिक खाद एवं पेस्टिसाइड का लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है ईयर टू ईयर अगर आप फिगर लें तो उसकी खपत बढ़ती जा रही है कहीं ना ऐसी स्थिति हमारे बिहार का भी हो जाए कि बिहार से भी ट्रेन खोलना पड़े तो इसमें हमारे यहाँ के बिहार के जनता के बीच अवेयरनेस हाँ, क्रिएट कराने की आवश्यकता है ताकि वो जैविक उत्पाद खाएँ जहर से बचें और अपने को स्वस्थ रखें जी हाँ तो यानी कह सकते हैं कि किसानों के साथ साथ आम नागरिकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है ये हम सभी जानते हैं आज सेहत से जुड़ी समस्याओं से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके दिल से पूछें कि उन पर क्या बीतती है इसलिए समय रहते सचेत हो जाएं और जैविक खेती जो है जैविक अनाज जो है उसे अपनाने की कोशिश करें क्योंकि जो कोशिश है ना वही हमारा पहला स्टेप होता है जब कुछ अच्छा अपनाना होता है ये तो बात हुई किसानों की आम लोगों की कि आज जागरूकता की जरूरत उन्हें भी है अगर आप आपने जिस तरह से बताया था जिस तरह से आपने अपने हर पद का बखूबी इस्तेमाल किया हर जगह बदलाव लाने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम की जो नींव है वो हमारे जीवन के शुरुआती काल में ही हमारे अंदर समाहित हो जाती है और आपको बता दूं दर्शकों कि हमारे जो आज के खासम ख़ास मेहमान हैं आपने एम इन एग्रोनॉमी में किया है इसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये बहुत बड़ी बात है एक बड़ा अचीवमेंट तो ये जो आपका स्टूडेंट का जो सफ़र रहा जब स्टूडेंट लाइफ का जो आपका सफ़र था वो जो जर्नी थी किस तरह से आपने पढ़ाई लिखाई की और क्या कुछ उस वक्त आपकी रणनीति थी वो जानना चाहेंगे क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट के जो गुण होते हैं ना वो हमारे दर्शकों को जानना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि वो जब जानेंगे सुनेंगे तभी तो अपनाएंगे हमारा बचपन ग्रामीण परिवेश में बिता मेरे पिताजी एक अनपढ़ किसान थे मैं किसान का बेटा था और किसान के दर्द को जान रहा था क्योंकि उस परिवेश में मैंने पला था गांव के इस मिडिल स्कूल से शिक्षा लेने के बाद गांव के बगल के गांव में एक हाई स्कूल था वहां से मैंने मैट्रिकुलेशन किया उसके बाद वहां से मेरी इंटरमीडिएट में एडमिशन हुआ उस समय जो अभी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था बीसी पटना वहाँ आई का एडमिशन भी होता था उस समय वहाँ से मैंने आई किया उसके बाद वहाँ आई करने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन मैंने पटना साइंस कॉलेज में लिया बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ में ऑनर्स मिला उस समय ग्रामीण परिवेश में ये हमारे गार्जियन की भी चाहत थी कि इंजीनियरिंग करें इंजीनियरिंग में एडमिशन हो लेकिन नहीं हो सका मैं शायद उस लाइक नहीं था या नहीं नहीं सर मैं कहना चाहूंगी जैसे अभी आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में हैं वो बीज वैसे ही रह जाता है जो उसमें है तो वो जीन वैसे ही ट्रांसफर हो, हो गया, गया। हाँ। इसलिए तो मैं बी एस में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉम्पिटिशन दिया वहाँ कम्पीट किए बी एस किए उसमें भी बी में हमको डिस्टें डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट आया उसके बाद एम एस सी एग्रोनॉमी में, में एडमिशन लिया वहाँ मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त करने का सौभाग्य मिला एम पूर्ण भी नहीं किए थे कि मेरी जॉब हो गई है स्टेट गवर्नमेंट में और एक बैंक में भी एज एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर हुआ लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट में ही ज्वाइन किया और वहाँ विभिन्न की यात्रा करते हुए आज अंतिम मुकाम पर यहाँ पहुँचा हुआ जी हाँ बिल्कुल वही मैं कहना चाहूँगी कि वो जो एक आपने दर्द महसूस किया शायद वो दर्द आज आप चाहते हैं कि दूर हो इसलिए आप किसानों के बीच भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये आपका शौक़ भी है कि किसानों को आप जागरूक करते हैं किसानों की मदद करते हैं तो किस प्रकार उन्हें आप जागरूक करने की कोशिश करते हैं ये आपका शौक़ है ये अभी जैसे मैं बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में एजेंसी में हूँ तो यहाँ मैं किसान यहाँ हमारा एजेंसी का न केवल जैविक का कार्य है बल्कि सीड सर्टिफिकेशन का भी कार्य है और एक डीएनए एन हमारे यहाँ है जिसमें जो सीड मार्केट में बिक रहे हैं उसकी जेनेटिकल कैरेक्टर और जिसका जो ओरिजिनल पैरेंट है उससे मिलान करके हम निकालते हैं कि सही में ये वो सीड है कि नहीं तो किसानों को मदद करने के का एक ये भी तरीका हमारे साथ है प्लस मैं सीड के सेक्टर में भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे अधिक से अधिक किसान बीज का उत्पादन करें ताकि उनको उनका मूल्य अधिक से अधिक प्राप्त हो और उनकी आमदनी बढ़े इस प्रोग्राम के तहत इस बार कृषि रोड मैप में ये निर्णय लिया गया है कि बिहार के उत्पादित बीज ही बिहार में बिक्री होगी अब देखिए इसमें मैं तो समझता हूँ कि अगर ये पॉलिसी लाई गई है तो बिहार में निश्चित रूप से सीड प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारे किसान भाइयों को बिहार का ही बीज मिलेगा जैविक में मैं चाहता हूँ कि हमारे किसान डोमेस्टिक मार्केट पर निर्भर नहीं रहे अवेयरनेस क्रिएट करते बहुत समय लगेगा इसमें हमारे कुछ युवा उद्यमी आए और स्टार्टअप के माध्यम से इसे एक्सपोर्ट करवाएं ताकि हमारे किसानों को उनका उचित मूल्य मिले जी हाँ लेकिन हमारे किसान भाइयों को भी वहाँ पर ईमानदारी बरतनी होगी एक्सपोर्ट में अगर एक्सपोर्ट कोई मटेरियल होता है उस तो उसकी क्वालिटी में कोई कंप्रमाइज नहीं होता है उनको उसका क्वालिटी मेंटेन करना होगा ताकि जहाँ जिस देश में एक्सपोर्ट हो वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करें कभी कभी ऐसा भी नौबत आता है कि एक्सपोर्ट यहाँ से हुआ और वहाँ पोर्ट पर गया क्वालिटी टेस्टिंग में फेल हुआ तो कहता है ले जाइए अब एक्सपोर्टर के साथ स्थिति हो जाती है कि जितना कॉस्ट उसको लौटाने में लगेगा उससे कम कॉस्ट में वो वहीं पर समुद्र में फेंक देता है अब मैं ऐसे किसानों के बारे में जानना चाहूंगी आपसे जो जैविक खेती कर रहे हैं वर्तमान में तो उन्हें क्या कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलती है क्या कुछ योजनाएं हैं उनके लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना चल रही है जो राज्य के चौदह जिले में चल रहा है और जैविक खेती करने वाले किसानों को साढ़े ग्यारह हजार रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दी जा रही है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार उस योजना में उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद को मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था की है परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों की चाहत एक अलग है कि सरकार मार्केटिंग करे जैस जस्ट लाइक एमएसपी पर गेहूं चावल लेता है जो कि संभव नहीं है हमारे समझ से उनको मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार के सहयोग से जैसे उनको अगर डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर की कोल्ड स्टोरेज का उसका गोडाउन का तो वो सरकार उनको उन, उपलब्ध करा सकती है परंतु परचेजर को तो किसान को स्वयं खोजना होगा एक्सपोर्टर को उनको स्वयं खोजना होगा अगर सरकार के माध्यम से खोज के दिया जाएगा तो पुनः किसानों द्वारा ही उंगली उठाया जाएगा कि इसमें ई फैंड बट है कुछ इसलिए हमारे किसानों को के, के बीच एक जागरूकता आनी चाहिए कि विपणन के लिए उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसकी डिमांड सरकार से करें ब, लेकिन परचेजर की व्यवस्था उन्हें स्वयं करना है कि कौन मेरा खरीदेगा अगर उनकी क्वालिटी सही रहेगी तो निश्चित रूप से परचेजर की कमी नहीं रहेगी जहाँ तक हमारा बिहार स्टेट सीड एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी का सवाल है अभी तक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हम कलकत्ता या हैदराबाद में करवाते हैं उसमें ये मैंडेट्री है कि वो लैब एन ए बी एल होना चाहिए लेकिन ये एजेंसी स्वयं अपना एक लैब एस्टैब्लिश करने जा रही है पूषा में जो लगभग उसका केवल अप्रूवल मिलना बाकी है और हम प्रोसीड कर गए हैं बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं बिना कहीं से सहयोग के एजेंसी अपने खर्च पर वो लैब एस्टैब्लिश कर रही है तब हमारे किसानों को यही उनको उपलब्ध हो जाएगी व्यवस्था एन ए लैब यहाँ वो फी जमा करेंगे और टेस्टिंग करा सकते हैं फिर एक्सपोर्ट करें क्या बात है कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा कदम और जिसे आपने अचीव कर लिया है और उम्मीद करती हूँ कि बिहार में जो ये जो ऑर्गेनिक खेती का जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है वो आगे जाके जरूर सुधरेगी लोग जागरूक होंगे हमारे किसान भाई भी जरूर जागरूक होंगे कार्यक्रम में बातचीत के दौरान आपने कहा था कि युवा उद्यमियों को आगे आने की जरूरत है तो मेरा सवाल है आपसे कि युवा उद्यमी जो आगे आना चाहते हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से जुड़ सकते हैं सीड और ऑर्गेनिक सीड, सीड सर्टिफिकेशन से नहीं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप की व्यवस्था की गई उसके तहत निबंधन कराएं और उसकी पूंजी बैंक से लें और वो उद्यमी हमारे किसान को ऑर्गेनाइज करके उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें या सीड प्रोडक्शन में वो ग्रो करवाएं ग्रुप के माध्यम से और उसका प्रोसेसिंग करवा के और वो मार्केटिंग करें यानी कि मार्केटिंग कर सकते हैं युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, है कि, आ, किसान भाइयों को एकत्रित करने की ज़रूरत है उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है उन्हें समझाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आमजनों को भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे चूंकि हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपको मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगी बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की कि वहाँ जिन्हें भी सर्टिफिकेशन करवाना है वो किस तरह से अपना सर्टिफिकेशन करवा सकते हैं क्या कुछ प्रक्रिया है हमारे यहाँ सीड सर्टिफिकेशन या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सभी ऑनलाइन हमारे वेबसाइट साइट पर जाएं, अगर ऑर्गेनिक कराना है तो वहाँ क्लिक करें सीड कराना है तो उस अच्छा पर, लिंक पर क्लिक अलग करें ऑनलाइन आवेदन डालें अगर ऑर्गेनिक अगर सर्टिफिकेशन कराना है तो उनको अपने ज़मीन के ब्यौरा संबंधी दस्तावेज हमको एल नहीं चाहिए उनका खाता खेसरा थाना नंबर प्रखंड ये चाहिए और उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड चाहिए वो दें फ्री ऑफ कॉस्ट बसों का करेगी उनका सर्टिफिकेशन क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ये हमको मैंडेट्री कर दिया गया है कि आप फ्री कीजिए जो भरपाई होगी हम करेंगे तो हमको सर्टिफिकेशन फ्री स्टेट गवर्नमेंट देगी हम फ्री उनका करेंगे सर्टिफिकेशन यानी कि कोई शुल्क नहीं लगेगा सर्टिफिकेशन करवाने में बस जरूरत है हमें ऑनलाइन आवेदन करने आवेदन की और उसके बाद आपका विभाग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन ही कर देता है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑनलाइन होता है तो क्या कुछ फायदा है सर्टिफिकेशन करवाने का सर्टिफिकेशन करवाने के बाद जो परचेजर रहेंगे उनको एश्योरेंस मिलता है वो जब उसका सर्टिफिकेट देखते हैं तो एश्योरेंस मिलता है कि ये ऑर्गेनिक है।, है क्योंकि हम सर्टिफिकेट तभी देते हैं जब उनका टेस्टिंग कराते हैं लैब में या इधर कलकत्ता और हैदराबाद भेजते हैं वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है जब हमको क्वालिटी एश्योरेंस मिल जाता है तब मैं सर्टिफिकेट उनको देता हूँ यानी कह सकते हैं कि गुणवत्ता में उसकी गुणवत्ता कैसी है इसको जांचने का काम करते हैं आप और आगे एक्सपोर्टर्स के लिए वो काफ़ी अहमियत रखती है सर्टिफिकेट इसलिए बेहद ज़रूरी है दर्शकों हमारे किसान भाइयों को भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सर्टिफिकेशन करवाने से बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं यहाँ पर जानना चाहूँगी आपके कार्य प्रणाली की कि बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की कार्य प्रणाली कैसी है किस तरह से आप काम करते हैं ये बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी एक गवर्नमेंट एग्री अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी है और इसके चेयरमैन हैं हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और मैं डायरेक्टर हूँ और अदर्स पंद्रह मेंबर हैं गवर्निंग बोर्ड के और ये गवर्निंग बोर्ड ही डिसीजन लेती है फर्दर हमको क्या करना है कितने एक्सपेंस करना है मेरा बजट फिक्सेशन करता है और जो हमारी आमदनी आती है उससे हम एजेंसी को चलाते हैं जी बिल्कुल इतने सालों का आपका कार्यकाल रहा चाहूँगी कि उन आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें से कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जिसकी याद आज भी आपके मन में ताज़ा हो नहीं जब मैं जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में पूर्वी चंपारण में कार्यरत था तो वहाँ फ्लड आया था तो फ्लड में हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री गए हुए थे वहाँ रिव्यू करने के लिए और एज ए इरीगेशन कमिश्नर हमारे तत्कालीन ए पी ए के सिन्हा भी थे और एडीजी डी जी शायद अभ्यनंद साहब थे तो मुख्यमंत्री के आने के पूर्व तैयारी चल रही थी कि क्या डेटा देना है क्या है तो एक रेनफॉल का डेटा मैंने बनाया था ब्लॉक बाइज और उसका टोटलिंग करके एवरेज निकाले थे हम लोग एवरेज रेनफॉल का डाटा होता है वो डेटा जब हम अपने वहाँ के जिला अधिकारी को जाके दिए तो बगल में हमारे एडिशनल कलेक्टर भी थे बैठे हुए समझ झा साहब तो डीएम हमको देख के ऐसे थोड़े होता है रेनफॉल टोटल जोड़ा एवरेज थोड़ा निकलता है टोटल जोड़िए तो हम कहें नहीं सर ऐसे ही निकलता है तो थोड़ा हम पर वो नाराज हो गए तो एसी ने मुझे ही इशारा दिया <laughs> हम चुप हो गए जय एसी साहब इसको कर दीजिए दिए एसी साहब को एसी साहब आए उसके बाद हाँ उनको एक्सपीरियंस था। यानी कह सकते हैं कि जब भी आपके साथ सामने चुनौतियां आई आपने उनका बखूबी सामना किया और हर चुनौतियों को पार करके अपने संघर्षों से पार करके हाँ। आप आज इस मकाम तक पहुँचे आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने साझा की आपका तह दिल से शुक्रिया चलिए आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा अपने फीडबैक अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं उसके लिए नोट करें हमारा पता हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार निदेशक डीटी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना रिजर्व रोड पटना आठ लाख एक हमारा ईमेल एड्रेस है डायरेक्टर डी डी के पटना एट द रेट जी मेल डॉट कॉम